भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ जाने से हर कोई डरता है। इन जगहों के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। ऐसा ही एक किला है शनिवारवाड़ा, जो भूतिया जगह कहलाता है। भारत की ऐतिहासिक धरोहर शनिवारवाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये किला बाजीराव द्वारा बनाया गया था। शनिवारवाड़ा किला बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कथा के साथ ही पेशवा की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संयोगी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि इस किले में भूतों का डेरा है और लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस किले की डरावनी दास्तान। मराठा साम्राज्य में पेशवा बाजीराव छत्रपति साहू के पेशवा थे और इन्होंने ही शनिवारवाड़ा का निर्माण करवाया था। शनिवारवाड़ा का मराठी अर्थ होता है शनिवार, यानी कि सटरडे, तथा वाड़ा का मतलब होता है ठीक। शनिवारवाड़ा की नींव 10 जनवरी 1730 को रखी गई थी। शनिवार के दिन ही नींव रखने के जाने के कारण नाम शनिवारवाड़ा पड़ा। यह पुणे के प्रमुख पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। 1828वीं शताब्दी में मराठा पेशवा के उदय काल में शनिवारवाड़ा का किला भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश यह बड़े ही रसमय तरीके से आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया था। आज यह अवशेष के रूप में शेष है। शनिवारवाड़ा किले के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम के दो पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, जो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे, और रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत नाना साहेब को पेशवा बनाया गया था। पेशवा नाना साहेब के भी तीन पुत्र थे, विषव राव, महादेव राव और नारायण राव। पानीपत की तीसरी युद्ध में नाना साहेब के प्रथम पुत्र विष राव की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके दूसरे पुत्र महादेव राव को गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। महादेव राव की मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहेब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बैठाया गया। जब नारायण राव की गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। लेकिन ये बात उनके काका रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को सहन नहीं हुई, क्योंकि रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले पेशवा महादेव राव की हत्या का प्रयास कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वो अपने काका को पसंद नहीं करते। धीरे धीरे गद्दी का लोभ इतना बढ़ गया कि काका के नारायण राव ने मरवाने तक की साजिश कर डाली। सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने इस महल में करवा दी थी। ये हत्या साल 1773 में कराई गई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोवा को पुकारते हैं, काका माला बचावा। आज भी वहां आने वाले लोगों को ये आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहां आने वाले कई लोगों ने इस आवाज को सुना और महसूस किया है। अंतिम घड़ी में उनके द्वारा ली गई चीखे आज भी इस किले में चार दीवारों पर गूंजती है। इसलिए यह किला भारत के सबसे रहस्यमयी डरावनी जगहों में शामिल है। पर्यटक यहाँ सिर्फ दिन के समय में ही घूमने आते हैं और
शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये सारी डरावनी बातें लोगों द्वारा बताई गई है।